नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो मैं पहले उनका धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरे चैनल अमेरिकन रीति को सब्सक्राइब किया है। वैसे ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरी एक रेसिपी जो है उबले हुए मूंगफली व्रत के लिए, कि आप और भी व्रत के खाने या रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ ये व्रत के साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो आप बाजार से साबूदाना लाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कितनी देर तक उसे भिगोते हैं और कितने पानी में। तो मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि आपको कितनी देर उसे भिगोना है और कितने पानी में उसे रखना है। तो जरूर वीडियो देखिए। व्रत की साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत है वो इस प्रकार है। अगर आप चार लोगों के लिए साबूदाना खिचड़ी बना रही हैं तो करीबन 150 ग्राम साबूदाना। ये प्रोसेस सहज करने के लिए मैंने ये 3 कटोरी साबूदाना लिया है। उसको मैंने रात को एक बार धो के करीबन 1/4 कटोरी पानी में भिगो के रखा है 8 से 10 घंटे। अगर आप सुबह बना रही हैं साबूदाना खिचड़ी तो रात को उसे भिगो के रखिए। अगर शाम को बना रही है तो सुबह साबूदाना भिगो के रखिए। 8 से 10 घंटे भिगोने के बाद साबूदाना की क्वांटिटी लगभग डबल हो जाती है। तो ये 3 कटोरी साबूदाना अब आप देख सकते हैं, ये करीबन 6 कटोरी बन गया है और इतना हल्का और आसानी से गिरने वाला हो गया है। अब अन्य सामग्री हम देखते हैं। ये 1 कटोरी मूंगफली है, जो कच्ची मूंगफली थी उसको मैंने करीबन 20 मिनट तक मीडियम गैस पे नॉनस्टिक पैन में रोस्ट किया है। उसे 2 घंटा बाजू में रखा है ठंडा होने के लिए और फिर उसके छिलके निकाल के मैंने उसे एकदम कोर्स ऐसे मिक्सर में ग्राइंड किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 1 कटोरी मूंगफली है। ये 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट के रखा है। 1 कटोरी ये गीला नारियल है जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और 1 ये उबला हुआ आलू है जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम ये जो हरी मिर्च और नारियल है इसे मिक्सर में लेंगे। इसमें करीबन ये 1.5 बड़ा चम्मच जीरा है, इसका आधा क्वांटिटी मैं इसमें डालूंगी। और ये 1/2 टेबलस्पून नमक, इसका अब मैं एक मिक्सर लगाऊंगी। अब हमारा ये हरा मसाला तैयार है। अगर आपको मिर्ची नहीं जचती तो इसे ऑप्शनल रखिए और सिर्फ जो नारियल है, जीरा है और नमक, उसका एक मिक्सर लगा लीजिए और ऐसे एक कोर्स ऐसे बना लीजिए। इसमें मैंने बिल्कुल पानी मिलाया नहीं है। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसमें मैंने करीबन 4 टेबलस्पून आप तेल लग सकते हैं या फिर घी ले सकते हैं। ये तेल गर्म होते ही मैं जो हमारी आधी क्वांटिटी थी जीरे की उसको मैं मिला लूंगी। हमारा तेल अब गर्म हो गया है और जो हमारा ये जीरा था इसे हम इसमें मिलाएंगे। और जो ये उबले हुए आलू के छोटे छोटे पीसेस है इसको इसमें मिलाएंगे। अब गैस मीडियम पे ही रखिए और थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन होने तक इनको थोड़ा स्टर कीजिए। जब तक हमारे आलू यहाँ पे भून रहे हैं तब तक हम ये जो हमारा साबूदाना है उसमें ये हरा मसाला मिलाएंगे और ये जो कुटे हुए मूंगफली हैं
और इसे हल्के से हाथ से मिलाना शुरू करना। मैंने व्रत के लिए और भी बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं, जैसे कि उबले हुए मूंगफली, और अगर आप गणेश जी का व्रत कर रहे हैं तो मैंने मोदक की भी रेसिपी शेयर की है, तो आप ज़रूर वो रेसिपी देखिए और ज़रूर मेरे चैनल अमेरिकन दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है उसका टेस्ट ले सकते हैं, अगर इसमें आपको लगता है कि नमक ही ज़रूरी है तो आप उसको मिला सकते हैं। अब हमारे आलू हल्के से भून गए हैं, मैंने इसमें और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और ये हमारा जो मिक्सचर है ये अभी तैयार है। आप देख सकते हैं कि एकदम एकजुट हो गया है। तो मैंने गैस अभी सिम पे कर लिया है और जो मिक्सचर है इसको मैं हल्के से मिला दूँगी। मैं अब धीरे धीरे इसे सबको मिला रही हूँ। इसमें मैंने और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और हल्के से हम इसको 2-3 मिनट के लिए हिलाएंगे और फिर इसको ढक के रखेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मिलाया है सबको, और मैं अब इसको ढक के रखूंगी। तो करीबन 15 मिनट हो गए हैं और मैंने बीच बीच में इसको हिलाया है खोल के, और आप देख सकते हैं कि सब जो साबूदाना है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। अब हमारी ये साबूदाना व्रत की खिचड़ी तैयार है और इसे हम प्लेट करेंगे। तो हमारी ये व्रत की साबूदाना खिचड़ी तैयार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कितने समय तक और कितने पानी में साबूदाना भिगोते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आपकी रेसिपी। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। घर पे सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। आपके परिवार वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ रेसिपी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अमेरिकन दीदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।